गरीब आदमी के इलाज ना होई, जे पैसा बा दी ओकरे इलाज होई। तू रहन के नहीं के आ ओकरी के बाल बच्चा के ना करिए दो सदर अस्पताल के जो ना बरे साथ है ना सर न कोनो रोगी के साथ ना होके के चाहे जो ना अपनी के साथ बोलो तो ना बार होगी पर मने हमरे साथे बोल तो उन बोल बाकी अब एहसान का घटना कोई के साथ मत लो। सीवान का सदर अस्पताल जो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे बड़ा अंग है, जहां से आए दिन मरीजों के साथ दुर्व्यवहार होने की शिकायतें तो मिलती ही हैं, उनका इलाज भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता। स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि गरीब लोगों को इमरजेंसी के हालात में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। हालिया घटनाक्रम जो सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, वो बलेथा गांव से जुड़ा हुआ है। इसी गांव की एक गर्भवती महिला सावित्री देवी को 1 सितंबर 2020 को सदर अस्पताल सिवान में भर्ती कराया जाता है। ग्रामीणों और परिवार वालों के मुताबिक भर्ती कराए जाने के वक्त महिला की स्थिति नॉर्मल रहती है, डिलीवरी भी नॉर्मल होती है, लेकिन बच्ची को जन्म देने के बाद सावित्री देवी की हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार हालात ज़्यादा बिगड़ने से सावित्री देवी की मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि सदर अस्पताल में ड्यूटी पर उपस्थित नर्सों, एएनएम या डॉक्टर ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की सिवाय एक स्वास्थ्यकर्मी के, और दवा इत्यादि लिखने में भी लेट किया गया, जिसकी वजह से मरीज़ की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और राजू शाह की पत्नी सावित्री देवी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने पैसे यानी घूस की मांग की। गरीब परिवार द्वारा घूस न दिए जाने पर इलाज में कोताही बरती गई। उनका आरोप है कि उनकी इस स्थिति का जिम्मेदार अस्पताल प्रबंधन है, अस्पताल कर्मियों की लापरवाही के कारण सावित्री देवी की जान गई है। हम लोग के दो निकालने में क्या करत रहे, वे लोग खाली पैसा दो आ पैसा है लोग के कल कर दे करत रहे आ पैसा ना होत रहे जे पैसा देत रहे ओकर काम होत रहे ओकर बग से करे ना आ हम कहत हम ये में दवा दवा लिख ले जे हम दवा लिया के बाहर से खिया कुछ को तब ना लिख बुझात रहे जे सुनाते नहीं ते जे नार कटुवे उ कुछ दवाई वई ना लिखवे ना ना लिख ना लिख उनकरा जानकारी ना रहवे लिखबे ना कभी आदर है या नहीं केउ लेडीज डॉक्टर ना हुए ना दोसर केहु ना हुए अपना हाथ नहीं की पैदा करे लेबन बे कि लूलो हाथ नहीं केले लोग हम अपना हाथ नहीं के पैदा करे लेबे ते हम लेके लूलो हाथ का हो गए रुवे हाथ नहीं केलो लगाइले हम अपना हाथ लड़की के पैदा करे लेबन घर के लक्ष्मी चल गए तब ये कागजात आप लोग को नहीं दे रहा था ना है कागजात महादेवा के वार्ड में तब ही कागज मिल रहे हैं वार्ड में तो आ कौनी ये चेरा दल रोल हो गया था दे दे सब तरिया का कागज उठा ले जो बात मेरे बोलती है बताई गरीब आदमी का कोई गरीब आदमी के इलाज ना होई जे पैसा बा दी ओकरे इलाज तू रहन के नहीं के आ ओकरी के बाल बच्चा के ना करिए सर सदर अस्पताल के मरेल के हमरा जान के मुआवला बड़ू हम त इहे कह कुल में मिल लो के कहू जे हमरा मरेज के मुआवा तारु लो तू ले देखियो लो भला ना होई जान के मुआवला बालो हमरा मरेज के एकदम जान के मुआवला बालो हमरे के छपटात रहू तब ना उठावत रहुए लो आखी खिखी के दाँत चिहारत रहुए लो जो हमने के का सरकारी रुपया उठावत हैं तनखा तन सा उनका पर भगवान दी है हम ना कहे। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था अपने जिले में इस प्रकार पंगु हो चुकी है कि गरीब लोग अपना इलाज कराने के लिए अपने घर की जमीन जायदाद बेचकर प्राइवेट में जाएं, या फिर घर वालों के
मुताबिक उनका इलाज तभी होगा जब वे सदर अस्पताल के कर्मचारियों को घूस देंगे। समय सिवान की स्क्रीन पर अभी जो आप जिन दो बच्चों को देख रहे हैं, ये दोनों ही बच्चे मृतका सावित्री देवी के हैं। इस एक दिन की बच्ची नवजात की हालत आप समझ सकते हैं। इसको यह नहीं मालूम है कि यह अब इस दुनिया में अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। जन्म देने के बाद इसकी माँ इसको छोड़कर इस संसार से विदा हो गई और आगे चलकर इस बच्ची को कभी भी अपनी माँ से भेंट नहीं हो सकेगी। मने हमरे साथे बोल तो उन बोल बाकी अब एहसान का घटना कोई के साथ मत लो। सबितरी रे सबितरी जिया ते मुआ विसारे सबितरी आ घर देख ली, आई पलानी देख ली, हाँ सब देख ली। तब सीरियस देखवेलो तो कह दलो जे पटना ले जा, छापरा ले जा, रुपया ले आवो। बताई का खातिर सरकारी बा आ हमें कहां एथी लिखल बा, जब रेफर लिखल बा तो हमरे के बताए कि चाहिए ना करती के सब रेफर लिख दे अलवा तो एमे रेफर लिखल बा तो एमे बताइए ना कि कहां है पे रेफर लिखल बा कि हम लेके जाएं। ये पतो अभी ये पतो अभी देखी जोन घटना भ गइल है पर और का कहना हम बा सदर अस्पताल खातिर। सदर अस्पताल खातिर ये का नाम बा जोन हमरे साथे घटना सुन कोनो रोगी के साथ ना होके के चाहे कोनो अपनी के साथ बोलबे त न बार होगी मर गन केहू के जाव त ना हो ओकरे साथे वीर किस ना होके के चाहे सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होके के चाहे। जवना भी रोगी के साथ हेलो कन ना होके के चाहे कोनो हाथ नहीं की चल लगाइले सब मुफ्त के आराम के तंका लेते सन। पेशेंट के कोनो इज्जत नहीं के, इंसान के कोनो इज्जत नहीं के, ना जान के कोनो कीमत बा। कौन सब खुदा जान के का करे वाला बानी जोन जो हमार रोगी बच गए वाला गरीब खातिर ना जोन जो रोगी हमार बचे वाला पोजीशन में रहुए कोनो दवाई इलाज कुछ ना ट्रीटमेंट जब सीरियसली मैटर हो गए तब जाके ओकरे बाद से छोड़ी से ना रिपोर्ट देत रहु से ना कुछ हो उसके पेट लगवे फूल है आ पेट ओकर फूल गए मुंह हाथ सब फूल गए ना ब्लड क्लॉट कुछ ना चढ़ावी सन एकदम हम रोगी के सीरियसली को के छोड़ले बड़ी सन मुंह देवी सन हमरे रोगी के अंतिम सीमा में हमरा लगे भेजी सन। तीन दिन बाद हमरा मरीज के छोड़ले बालो ओकरा आगे उ लोग कोनो रिपोर्टे नहीं खलो बनेले जब हमार हालात बिगड़ गइल बा तब जौन जो हम मरीजी के हम बचावे नहीं की सकल आना आ देत रहले रिपोर्ट आना कुछ मिलत रहुए जब रउरा भर्ती करैले रहनी ओबरा मरीज के हालत का रहुए मरीज के हालत ठीक रहुए हमार मरीज चलत रहुए नॉर्मल रहुए नॉर्मल हुए नॉर्मल बच्चा डिलीवरी भइल बा। अच्छा ठीक कोनो प्रकार के दिक्कत ना ई लो मैमिन लो एकदम हाथ ना लगवे ना नर्स हाथ लगवे आ कहते लो जे रेफर कर दिए पटना के लिए लेकिन पटना के लिए जो रेफर किए है उस पर ना हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है ना कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ अब बताइए वो भी हम गरीब आदमी के लिए वो भी 50,000-1,00,000 रुपया कहाँ से आएगा। तो जब नॉर्मल डिलीवरी भ गए तो उसके बाद फिर काहे रेफर लिख दिवे लो वो रेफर लिख ले अल नहीं खेलो कागज पर रेफर लिखल अल नहीं क्या। अच्छा। कागज तो सामने बा उस पर देखिए रेफर लिखा हुआ है। अच्छा, सिर्फ बीपी लो लिखल बा बस। हाँ लो बीपी लिखल बा। हाँ और कोनो रिपोर्ट नहीं लिखल ना हॉस्पिटल के नाम लिखल बा जे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर तरी पटना के लिए। तो जब जब डिलीवरी भवे ओ बेरा ओमे ओइ जाके मेमिन लोग हाथ लगवे कि ना के हाथ नहीं खेलोगे का है एक जानी लगवला एक जानी एक जानी उहे पूछले बाड़ी आ पूछ के दे दे एगो पुराना गिरो उनका के हम ना कहे उनका के दूसरे ना दे के रहुबे नाम पूछू मैं ना नाम ना पूछ। अच्छा का केंगा मोटे के बाड़ी हम चिन्हा दे मरीज गूंगी रली हा। हां गूंगी रली हा अब हम नहीं जानते बाबू
अब हमार तो चल गए वो लोग के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होके के चाहिए। सदर अस्पताल के लिए सख्त से सख्त मैमिन डॉक्टर के लिए कार्रवाई होके के चाहिए। हाँ जो डिप्टी करता ओकरे लिए सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होके के चाहिए। जो हमारे साथ जो दुर्घटना भइल तो उन केहू के साथ दुनिया में ना होके पूरा हमारा रोगी के ले लो मुआ दे लो। चारों तरफ हमारे को बुढ़िया महतारी इतना घर के सदस्य रहते हुए इस सब के सामने जान ले ले वालो ना हॉस्पिटल के कोनो रिकॉर्ड देते रहो लो ना कागज देते रहो लो कुछ ना देते रहो लो। वो लोग के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होके के चाहिए। कुछ ना रहुए हमरा पतो के जान के मैं जितना डुकल भाई सर सब आ जा जात रहो तवर के आदिय करत रहो सर जार के परत रहो सर हमरा के आज बेटा रहुए ना पतो रवि रिपोर्ट मांगल जात रहुए तो के देते ना रहुए। यह स्थिति आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं या आपने जो देखा वह आपके लिए मात्र एक दृश्य हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा दारुण अनुभव है इस बच्ची और इस परिवार के लिए जो इस दारुण अनुभव से इस बच्ची को और इस परिवार के सदस्यों को हमेशा आगे के लिए भोगना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। परिवार में आप देखिए यह परिवार इतना गरीब है कि इस परिवार के पास रहने के लिए कायदे से कोई घर नहीं है। आप देखेंगे तो यह घास फूस का एक आशियाना है जिसके ऊपर टिन का शेड डाला हुआ है। तेज अंधड़ आ जाए या तेज बारिश हो जाए, कब यह टूट करके गिर जाए और परिवार के सदस्यों के साथ कोई हादसा हो जाए इसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं यह भी एक टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण अवस्था में घर बना हुआ है। अब घर क्या कहें, सिर्फ दीवार खड़ी है और अंदर आप देखेंगे सिर्फ टिन का शेड डाला हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। टिन का शेड डाला हुआ है महज। आप पुनः देखेंगे इधर परिवार में तीन भाई हैं, तीनों भाइयों के लिए तीन आशियाने हैं। यह भी देखिए आप घास फूस का ही आशियाना है जिसके ऊपर टिन का शेड पड़ा हुआ है। लगातार तेज बारिश हो जाए या तेज अंधड़ उठ जाए तो यह आशियाना कब धराशायी हो जाए और ये लोग इसमें हताहत हो जाएं यह कहा नहीं जा सकता। ये जो भी स्थितियां आपने देखी यह समाज की एक दारुण हकीकत को बयान करती है। यह स्थिति समाज में रहने वाले उन तमाम गरीब लोगों की है जिनके पास रहने को घर नहीं है और खाने को दो वक्त की रोटी नहीं है। एक वक्त की मजदूरी मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, कभी खेतों में काम मिलता है कभी नहीं मिलता। और ऐसे लोग जब जीवन जीने के लिए मात्र गुजर बसर करने के लिए मजदूरी पर निर्भर हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए तो निश्चित रूप से सरकार पर ही पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हैं। सरकार पर डिपेंडेंट होने के कारण ये लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सदर अस्पताल सिवान में ही जाएंगे और जाते भी हैं जहां उनके साथ इस तरह की दुर्घटना पेश हो जाती है कि उन्हें अपने पारिवारिक सदस्य से ही हाथ धोना पड़ जाता है। क्या ऐसे गरीबों की सुध लेने के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य महकमे में कोई व्यवस्था नहीं है? क्या इनके आरोप को अगर सच मान लिया जाए तो सदर अस्पताल में भी सिर्फ उन्हीं का इलाज होगा जो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को कुछ नजराना पेश करें? इनका आरोप यह भी है कि मृतका को सही समय पर रेफर भी नहीं किया गया। इनका आरोप यह भी है कि जो भी कागज उस मृतका सावित्री देवी का था उस कागज को देने में भी सदर अस्पताल के कर्मियों ने न सिर्फ ज़्यादा विलंब किया बल्कि इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया और इनके विरुद्ध दुर्वचन भी कहे। ऐसी व्यवस्था में ऐसे लोगों के मन में, ऐसे गरीबों के मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं तो और क्या होगा? यह सरकारी व्यवस्था को कोसेंगे नहीं तो क्या सराहना करेंगे? क्या सवाल यह नहीं उठता कि जो सरकार करोड़ों करोड़ रुपया सदर अस्पताल की चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने के लिए खर्च करती है और भेजती है वह सुविधा गरीबों को सही ढंग से मयस्सर नहीं हो पाती? आखिर वह ऐसा
सदर अस्पताल के कर्मचारी क्यों करते हैं, इन गरीबों की सुध लेने वाला आखिर कोई क्यों नहीं है। कुछ तो वजह ज़रूर रही होगी जिसकी वजह से ये लोग रोते बिलखते और तड़पते हुए अपने दिल से बद्दुआ दे रहे हैं। क्या इन गरीबों की आह सुनने वाला भी कोई नहीं है? इनकी आर्थिक स्थिति और यहाँ घर की स्थिति आपने जिस प्रकार देखी, वर्तमान हालात को देखते हुए तो यही लगता है कि ये सही ढंग से अपना जीवन यापन भी नहीं कर सकते हैं। इन गरीबों के मन में सरकारी सिस्टम के प्रति क्या भाव उत्पन्न होगा, कैसा क्षोभ उत्पन्न होगा, ये क्या सोचेंगे? क्या आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी इस प्रकार की दुर्दशा भारत की देखने को मिल सकती है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के आशियाने बन रहे हैं, वहीं इनका कहना है कि गांव के पंचायत के मुखिया ने इनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इंदिरा आवास बना हुआ था पूर्व से, उसको भी वहां मुखिया जी के द्वारा तोड़वा दिया गया और कारण यह बताया गया कि वह सड़क के अंतर्गत पड़ रहा है। अगले महीने ही चुनाव है और आजकल मैं जब भी चुनाव की अधिघोषणा चुनाव आयोग द्वारा जारी हो जाए और इस चुनाव की घोषणा के बाद बहुत सारे नेता, मंत्री, विधायक इस क्षेत्र में आएंगे, सभी जगह घूमेंगे, इस घर का भी भ्रमण करेंगे, यहाँ के लोगों से भी अपने पक्ष में मत देने की अपील करेंगे, लेकिन मत लेने के बाद जो भी प्रतिनिधि यहाँ से निर्वाचित होकर जाएंगे विधानसभा में, वह फिर अगले 5 सालों के दरमियान ऐसे कितने गरीबों की सुध लेने आते हैं, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर ढंग से मिले, इसके बारे में वे जनप्रतिनिधि क्या और किस स्तर पर सोचते हैं और क्या पहल करते हैं। ऐसे लोगों को रहने को ढंग से आशियाना मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, इसके लिए वे जनप्रतिनिधि कितना सिंसियर रहते हैं यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपके लिए ये जो भी स्थिति रही यह सिर्फ एक परिवार की कहानी हो सकती है, लेकिन सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में ऐसे राजेश शाह जैसे दर्जनों परिवार मिलेंगे, सरस्वती देवी जैसे दर्जनों परिवार मिलेंगे, हजारों और लाखों परिवार मिलेंगे जो गरीब हैं और गरीबी के अभिशाप से इस तरह त्रस्त हैं, गरीबी के दंश से इस तरह पीड़ित हैं कि ये कायदे से अपनी बात भी सही ढंग से नहीं कह पाते हैं। अशिक्षा का आलम यह है कि यहाँ कायदे से अपनी बात को कह पाने के लिए भी यह लोग सक्षम नहीं हैं। आप ज़रा सोचें कि किस प्रकार के समाज में हम जी रहे हैं और कैसे समाज की कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, कैसे समाज का सपना हम देखते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि देखते हैं और हकीकत क्या है।